सो लेट्स कंटिन्यू आवर सॉल्यूशन ऑफ गेट एक्सी 2013। तो 16 पे थे हम, क्या दे रखा है उन्होंने कि एयर फ्लो स्टेडीली थ्रू अ चैनल, ठीक है। स्टैग्नेशन एंड स्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लो आर मेजर्ड बाय पिटोट ट्यूब एंड वॉल प्रेशर टैब, ठीक है। ये कुछ ऐसा चैनल है, फ्लो हो रहा है उसमें, तो वॉल प्रेशर टैब इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ से उन्होंने स्टैटिक प्रेशर मेजर किया और पिटोट ट्यूब होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से उन्होंने क्या किया, स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर किया। तो सपोज पी नॉट इज अ स्टैटिक प्रेशर और पी एस इज स्टैग्नेशन प्रेशर, तो स्टैग्नेशन प्रेशर कैन बी रिटन एज पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या दे रखा है उन्होंने, तो प्रेशर डिफरेंस फाउंड टू बी, मतलब स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर के बीच में का डिफरेंस कितना मिला, दैट इज पी एस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 20 mm ऑफ एच जी, ठीक है। सो 20 mm ऑफ एच जी इज नथिंग बट हेड में दे रखा है, सो वी कैन राइट इट एज रो जी इंटू एच, मतलब प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं ना अगर हेड दिया है तो उन्होंने मर्क्यूरी के टर्म में दिया है, तो ये एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज मर्क्यूरी, ठीक है। बिकॉज द हेड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी, सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट हेड इनटू प्रेशर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय रो जी, ठीक है। सो हाफ रो ए वी स्क्वायर, बिकॉज ये जो स्टैटिक और स्टैग्नेशन प्रेशर है वो एयर का मेजर कर रहे हैं, बट उनका जो डिफरेंस दिया है वो मर्क्यूरी के हेड के टर्म में दिया है, ठीक है। तो उसलिए मतलब सपोज एच इज द हेड, सो वी नो दैट, मतलब अगर प्रेशर दिया है कुछ, उसको रो एम बाई जी से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो इट इज नथिंग बट हेड ऑफ दैट लिक्विड। सो इन केस ऑफ मर्क्यूरी इट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, सो प्रेशर विल बी गिवन बाय एच इंटू रो एम टाइम्स जी, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर रो एम इंटू जी, ठीक है। सो इट इज रो एम टाइम्स जी इंटू एच, सो वॉट विल गेट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो एम जी एच टाइम्स रो, तो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो एम जी एच बाय रो, ठीक है। तो रो एम तो हमें पता है 13600 एंड रो एयर इज नथिंग बट 1.18, वाटर की डेंसिटी का कोई काम नहीं है, ऐसी दे रखी है उन्होंने, एंड जी की वैल्यू 9.81 ये भी दिया है, और एच उन्होंने 20 mm दिया है, तो सारी SI यूनिट में रखना है हमें वैल्यू, तो 20 × 10³ मीटर, ठीक है। तो बस यही गलती होने के चांस थे कि सीधा जल्दी जल्दी में mm में रख देते, बट मीटर में रखना है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। मतलब ये छोटी छोटी बातें लगती है बट पेपर देते समय ऐसी गलतियां होती है, बाद में अफसोस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वेलोसिटी फील्ड इन अ लैमिनार बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, सो वेलोसिटी फील्ड इज गिवन लाइक दिस, सो दिस इज यू कंपोनेंट, दिस इज वी कंपोनेंट, एंड बी और यू इंफिनिटी की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने। कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 50। तो इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी जेड, सो डब्ल्यू इज जीरो, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, एंड यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो इट इज जीरो, सो ए एक्स इज बेसिकली यू टाइम्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वी टाइम्स डी यू बाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और बाद में फाइनली एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, ठीक है। वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड हियर वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब क्या बोलते हैं उसे हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इतना तो आना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको डिफरेंशिएट करना तो आना चाहिए, ना तो कुछ नहीं होगा फिर। तो इसका आंसर आ जाएगा वैल्यू रखने के बाद, फॉर्मूला बेस्ट, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0.5 वाई इक्वल टू 50। ये भी सिंपल ही है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इज डी एक्स बाई यू एंड डी वाई बाय बी, ठीक है। तो डी एक्स बाई यू इज नथिंग बट बी टाइम्स यू इन्फिनिटी टाइम्स वाई एक्स का पावर 3/2, डी वाई बाय बी टाइम्स यू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर 4x^5/2, then let me erase it so that I can calculate the slope, ठीक है।
तो स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। तो इस डी एक्स को इधर ला लिया, इस क्वान्टिटी को इधर ले गए, तो इट इज बी टाइम्स यू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर फोर एक्स का पावर फाइव बाई टू। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, बी टाइम्स यू इन्फिनिटी टाइम्स वाई एक्स का पावर थ्री बाई टू। ठीक है, बी यू इन्फिनिटी कैंसल, सो इट विल बी वाई फोर एक्स का पावर फाइव बाई टू माइनस एक्स का पावर थ्री बाई टू इज एक्स का पावर टू बाई टू इज वाई बाई एक्स। तो वाई इज नथिंग बट 15 इंटू 10 का पावर माइनस थ्री, एक्स इज 4 इंटू 0.5। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। ठीक है, तो वी हैव टू नो जस्ट दिस पॉइंट दैट हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो अगर हमें इतना पता है कि स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है, वेव एंड एडी रेजिस्टेंस ऑफ अ सी गोइंग वेसल 96 मीटर इन लेंथ ड्रिवन एट अ वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, फॉर दिस पर्पस 116 स्केल मॉडल इज एम्प्लॉयड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मॉडल इज नथिंग बट 1/16 टाइम लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। सो ये जो पहले दिया था ये प्रोटोटाइप है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, इट इज लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। एंड ये जो क्या बोल रहे हैं, मॉडल को फ्रेश वाटर में टेस्ट किया है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सी डब्ल्यू ई है और उसकी वैल्यू इतनी है। एंड द क्वांटिटी सी डब्ल्यू इज डिफाइंड एज लाइक दिस, वेयर एफ डब्ल्यू इज द वेव एंड एडी रेजिस्टेंस एंड रो इज द डेंसिटी, बी इज द वेलोसिटी एंड एल इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लाइक दिस। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट विच मॉडल इज स्टोर्ड। सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सिमिलैरिटी वाला है और वेव और एडी रेजिस्टेंस मतलब विस्कस रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रेनॉल्ड्स नंबर मतलब डायनेमिक सिमिलैरिटी के लिए बराबर रहेगा, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर इन मॉडल इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इन प्रोटोटाइप। तो रो वी एल बाय म्यू मॉडल, रो वी एल बाय म्यू प्रोटोटाइप, और नहीं 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 नहीं, नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर नहीं भाई, दिस इज मतलब रिवर में फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पर फ्राउड नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फ्राउड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, वी बाय रूट जी एल मॉडल इज इक्वल टू वी बाय अंडर रूट जी एल प्रोटोटाइप। ये वेव वाले के लिए मतलब वेव रिवर वाले अगर फ्लो के लिए फ्राउड नंबर डायनेमिक सिमिलैरिटी के लिए बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से मॉडल की वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज हमें प्रोटोटाइप की वेलोसिटी पता है और ये एलपी बाय एलएम का रेशियो पता है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी मतलब दोनों के ट्रैक कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, वैसा होगा तभी हम प्रोटोटाइप का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बिकॉज मॉडल का कैसे निकालेंगे हम, बिकॉज उन्होंने सी डब्ल्यू ई दे रखा है, तो जब सी डब्ल्यू ई दे रखा है तो एफ मॉडल रो वी मॉडल स्क्वायर रो मॉडल वी मॉडल स्क्वायर एल मॉडल स्क्वायर डिवाइड बाय टू। तो ये सी डब्ल्यू ई नोन है, रो मॉडल नोन है, वी मॉडल नोन है, एल मॉडल नोन है, तो यहाँ से मॉडल का रेजिस्टेंस तो निकाल लेंगे। तो मॉडल का रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करना है हमें, कि जब दोनों के ड्रैग कोएफिशिएंट इक्वल होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब प्रोटोटाइप का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। मतलब एज फार एज वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये अच्छी है मतलब बात की ये कुछ भी नहीं दिया है तो हमें दोनों के ड्रैग कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, बट डायनेमिक सिमिलैरिटी की वजह से दोनों के ड्रैग कोएफिशिएंट मतलब डायमेंशनलेस कोएफिशिएंट इक्वल ही रहते हैं ना। आई मीन अगर मॉडल और प्रोटोटाइप हमें टेस्ट करना है, तो अगर डायनेमिक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है तो दोनों के ट्रैक कोएफिशिएंट सेम ही होने चाहिए। ठीक है, सो एज पर दिस मतलब फाइनली सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेट करेंगे, तो एफ एम रो एम वी एम स्क्वायर एल एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एफ पी रो पी वी पी स्क्वायर एल पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्रोटोटाइप का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटर एंटर्स अ सिमेट्रिक फॉग पाइप एंड डिस्चार्जेस इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू टू ब्रांचेस एज शोन इन द फिगर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन वन इज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए वन, इट इज 0.2 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी अक्रॉस सेक्शन वन दैट इज वी वन इज 3 मीटर पर सेकंड।
डेंसिटी 1000 kg/m³ ले सकते हैं, एंड विस्कस इफेक्ट एंड एलिवेशन चेंजेस में भी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो गेज प्रेशर एट सेक्शन वन, तो यहां पर P2 इज नथिंग बट PATM एंड P3 इज ऑल्सो PATM एंड प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर एट वन से P1 है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है हमें, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है और वेलोसिटी निकालनी है और इन दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। तो यहां से डिस्चार्ज भी सेम ही होगा बिकॉज एरिया सेम है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज सिमिलरली ऐसा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3, मतलब मास फ्लो रेट एंटरिंग एंड लीविंग आर सेम एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इट इज रो 1 a1 v1 इक्वल टू रो 2 a2 v2 प्लस रो 3 a3 v3, और यहाँ पे दिख रहा है मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्चार्ज भी चेंज नहीं होगा, मतलब जितना यहाँ से जाएगा उतना यहाँ से जाएगा आधा आधा। सो दैट इज टोटल a1 v1 इज इक्वल टू रो तो सेम ही है, सो इट विल बी q/2 प्लस q/2, और इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है, दैट इज a1/4 टाइम्स v प्लस a1/4 टाइम्स v, दैट इज वेलोसिटी इज नॉट चेंज, मतलब डिस्चार्ज सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a1v/4 × 4 2/4, सो a1 v1 कैंसिल, v1 विल बी इक्वल टू v/2, सो यहाँ पे जो एग्जिट वेलोसिटी होगी दैट इज vv, तो v विल बी इक्वल टू v1/2 जो कि होना चाहिए बिकॉज एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। देन गेज प्रेशर एट सेक्शन वन, इससे सिंपल तो कोई है नहीं, नेग्लेक्टिंग विस्कस इफेक्ट मतलब और एलिवेशन इफेक्ट, तो क्या बोलते हैं उसको हम, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे पॉइंट 102 पर, ठीक है, दैट इज p1/ρg प्लस v1² / 2g, एलिवेशन तो नेग्लेक्ट करना है, एंड p2/ρg प्लस v2² / 2g, ठीक है। सो p1 हमें गेज प्रेशर निकालना है, दैट इज p1 - p एटमोस्फियर, और p2 इज नथिंग बट p एटमोस्फियर, सो विल गेट p1 - p एटमोस्फियर / ρg इज इक्वल टू v2² - v1² / 2g। तो v2 इज नथिंग बट क्या बोलते हैं उसको, 2 times v1 square minus v1 square by 2g, 4 times v1 square, that is 3v1 square by 2g, so 3 times v1 square मतलब 3 का square that is 9/2 और into g, ठीक है। तो 9 3 27/2g, then after solving यहां से मिल जाएगा गेज प्रेशर कुछ ना कुछ, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो इस इक्वेशन को, दैट इज p1 - p atm / ρg इज इक्वल टू 27/2g, सॉल्व करेंगे तो दिस इज नथिंग बट p1 - p atmosphere इज गेज प्रेशर एट सेक्शन वन। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन kN टू होल्ड द पाइप इन प्लेस, तो यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन लगाना पड़ेगा, फोर्स निकालनी है पाइप को अपने जगह पर रखने के लिए। तो फॉर स्टेडी स्टेट मोमेंटम इक्वेशन कैन बी रिटन एज, एंड दे आर आस्किंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो भाई कोई नहीं सही है, मतलब fx भी निकालना है fy भी निकालना है, बाद में अंडर रूट fx² + fy² निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में लगाएंगे, मैं जनरल वाला मोमेंटम इक्वेशन लिखता हूँ पहले, फिर x में अप्लाई करूंगा, y में अप्लाई करूंगा, सो वी कैन राइट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम। सो सपोज ये जो डैश वाला है दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम प्लस मोमेंटम एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम,
is equal to momentum leaving within control volume for steady state. This is the momentum equation. ठीक है, तो फोर्स की वजह से सिस्टम में मोमेंटम आ सकता है, मतलब मोमेंटम में चेंज हो सकता है टाइम के साथ, और मास मास की वजह से हो सकता है, मतलब अंदर आते हुए मास की वजह से और बाहर जाते हुए मास की वजह से मोमेंटम में डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, तो अंडर स्टेडी स्टेट दिस इज द मोमेंटम इक्वेशन. सो से दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन. सो व्हेन वी विल राइट दिस डायरेक्शन, सो प्रेशर पी वन इज एक्टिंग लाइक दिस हियर, और इरेज सारा हो गया, कोई नहीं. और यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, सारी जगह एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बाहर से. ठीक है, तो एक ट्रिक है, मतलब हम बाद में प्रोजेक्शन वगैरह लेके अगर करते हैं तो क्या होता है. और एक चीज ध्यान में रखिए कि मतलब यहाँ पर अगर प्रेशर की वजह से कोई फोर्स लेना है तो हर सेक्शन पर गेज प्रेशर लेंगे. जैसे कि यहाँ पर गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो. वाई? बिकॉज यहाँ पर खुद एटमोस्फेरिक प्रेशर एड कर रहा है. सो हियर पी जी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, पी गेज जीरो, और यहाँ पर पी गेज इज नथिंग बट मतलब सेक्शन वन पर जो आएगा प्रेशर, पी वन माइनस पी एटमोस्फेरिक, पी वन माइनस पी एटमोस्फेरिक. तो हियर गेज प्रेशर इज लाइक दिस. ये कैसे आता है, मतलब हर जगह एक्ट कर रहा है ना प्रेशर एटमोस्फेरिक, ऐसा ऐसा. तो इसका जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, सिमिलरली इधर साइड से भी एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो कैंसिल कर देगी, बस इसको यहां पर इतना बचेगा, दैट इज इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा, लाइक दिस. तो जब हम नेट फोर्स लेंगे ना, तो वहां पर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज पी टाइम्स पी एटमोस्फेरिक टाइम्स ए वन, तो वो कुछ इसी तरीके से आएगा. दैट इज मतलब पहले पी वन ए वन आएगा माइनस पी एटमोस्फेरिक ए वन आएगा जब हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे. तो उसके बदले हम क्या करते हैं कि हर सेक्शन पर सिर्फ गेज प्रेशर लेते हैं, बिकॉज फाइनली अगर हम मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, दैट इज सारे प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब सब जगह एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है ना, तो सारे प्रोजेक्शन लेंगे तो फाइनली वही आने वाला है, दैट इज पी वन माइनस पी एटमोस्फेरिक. तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है कि नेट फोर्स अगर प्रेशर की वजह से है तो हमें वहां गेज प्रेशर लेना है. ये क्लियर हो गया. तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे हम, तो प्रेशर क्या आ रहा है, यहां पर तो जीरो है. ठीक है, तो प्रेशर इज नथिंग बट पी वन माइनस पी एटमोस्फियर टाइम्स ए प्लस, और सॉरी एफ एक्स भी लग रहा है ना, टू होल्ड द पाइप, एंड माइनस एफ एक्स प्लस दिस मच, और अंदर कितना आ रहा है मोमेंटम, दैट इज एम डॉट वन टाइम्स वी वन. दिस इज द मोमेंटम कमिंग इन, एंड मोमेंटम लीविंग इन एक्स डायरेक्शन इज, सो फ्लो रेट थ्रू टू इज एम डॉट टू. ठीक है, बट मोमेंटम क्या आ जाएगा, इस वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, लाइक दिस, दैट इज वी टू टाइम्स कॉस ऑफ 60. ठीक है, सिमिलरली एम डॉट थ्री वी थ्री टाइम्स कॉस ऑफ 60. ये क्लियर है आपको? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें पता है. एम डॉट टू इज नथिंग बट रो ए टू वी टू, ए टू की वैल्यू ए वन बाय फोर है, वी टू की वैल्यू हमने निकाली थी पहले ही. सिमिलरली एम डॉट थ्री इज रो ए थ्री वी थ्री, ए टू ए थ्री की वैल्यू नोन है, वी थ्री की वैल्यू निकाली थी हमने. ठीक है, और कॉस 60 तो सबको पता है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, एफ एक्स, सो कहा था मैं कि एफ एक्स मिल जाएगा हमें. ठीक है, ये सब करने के बाद अब बचा वाई. तो वाई के लिए क्या करना है, फिर से वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे हम. तो y डायरेक्शन में तो कोई प्रेशर है नहीं. ठीक है, और सारा मतलब कंपोनेंट लेंगे हम, वो एटमोस्फेरिक वाला भी, वो सारा भी कैंसिल हो जाएगा, और आउटलेट पे तो गेज प्रेशर जीरो है. तो ठीक है, तो इसका तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट सारा ही कंपोनेंट जीरो है, बस क्या आ जाएगा, दैट इज एफ वाई. सो और एफ वाई इज पॉजिटिव जो भी है, प्लस नो मोमेंटम थ्रू मास इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम, सो इट इज जीरो. और एग्जिट वाला क्या है, इट इज एम डॉट टू टाइम्स वी टू साइन थीटा साइन 60. सॉरी, तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन में आ जाएगा. सिमिलरली नीचे वाला क्या आ जाएगा, माइनस एम डॉट थ्री वी थ्री
साइन 60। ठीक है, तो एफ वाई विल बी इक्वल टू, सो एम डॉट टू वी टू इज नथिंग बट क्यू बाई टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज रो क्यू बाई टू एंड वी टू इज नथिंग बट वी आई थी वैल्यू और टू टाइम्स वी वन आई थी साइन 60 माइनस रो क्यू बाई टू। एम थ्री और एम टू तो सेम ही है ना, एंड इट इज वी थ्री इज ऑल्सो टू वी वन साइन 60। तो बोलने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, तो एफ वाई की वैल्यू आएगी जीरो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मॉड एफ अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, सो इट इज एफ एक्स तो आ गया हमारा, सो इट इज एफ एक्स बिकॉज एफ वाई जीरो, सो दिस इज द नेट फोर्स। यूनिट्स का ध्यान रखना है, किलो न्यूटन में रखना है मतलब वैल्यू। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, और ये काफ़ी जल्दी जल्दी हो गया, मतलब मैंने आंसर नहीं निकाले फाइनल वाले, बट प्रोसेस बता दी है, तो जस्ट वैल्यू रखनी है और देख लेना है ट्राई करके जिसको कंफर्म करना है, बाकी जो जरूरी था जरूरी बातें थी वो मैंने बता दी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।